हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे. सो ओके, नाउ द वेट इज ओवर. दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th साइंस, एंड जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. और इसमें हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने न्यूट्रिशन का था वो पूरे का पूरा कवर कर लिया था टॉपिक. और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेशन. हम टॉपिक कवर करेंगे ताकि सारा कुछ अच्छे से हो जाए. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. इट रियली मीन्स अ लॉट, है ना? जब आप लोग ऐसे प्यार दिखाते हो, हमारे वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, इट रियली मीन्स अ लॉट, रियली. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन विद द कंटेंट. ओके, सो टुडे वी आर स्टडिंग रेस्पिरेशन. लेट्स स्टार्ट. ओके, रेस्पिरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि हम हमारा जो खाना है वो हमारी बॉडी में जाता है, हम फूड इनटेक करते हैं, फिर बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, पच जाता है, और आफ्टर डाइजेशन वो खाना जो है वो हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है. मीन्स के जिस जिस बॉडी पार्ट को, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वहां पे वो जाके एसिमिलेट हो जाता है, ठीक है. अब जो खाना एसिमिलेट हो गया, हमारी बॉडी ने उसको यूज करना है. अब वो उसको यूज कैसे करेगी? उसको वो यूज करेगी फॉर टू पर्पसेस. अब वो पर्पसेस कौन से हैं? वो हमारे पास जो पर्पसेस हैं वो है, नंबर वन इज टू गेट एनर्जी. एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को. क्यों चाहिए एनर्जी? ताकि जो हमारे डेली लाइफ फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उन सभी को वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है. एक तो उसके लिए चाहिए. सेकेंडली, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए. अब हमारी बॉडी के में वियर एंड टियर चेंजेस तो आते ही रहते हैं, ठीक है. हमारे सेल्स जो हैं डेली, वो बहुत सारे सेल्स हमारे दे डाई आउट, है ना, और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, उनको रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है. कभी हमें कोई, मान लो कोई बीमारी होगी, उसके लिए हमारी बॉडी को फाइटन अप करना है, ठीक है. तो इन सारी चीजों के लिए जो हमारा एसिमिलेटेड फूड है वो यूज होता है. वो क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. सेकेंडली, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि जो हमारी एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है, और एसिमिलेट होती है हमारी बॉडी में. कैसे होता है ये सारा कुछ? इस सारे प्रोसेस के लिए, एनर्जी के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज आर फूड. जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी के लिए एज ए फ्यूल जो है वो काम करता है, ठीक है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी. सेकेंडली, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो नहीं परफॉर्म होंगी. हमारी बॉडी के वेयर एंड टीयर जो लॉसेस हैं उनको हम कवर अप नहीं कर पाएंगे, है ना. रेस्पिरेशन में ही हम पढ़ेंगे कि मोस्टली जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी के लिए फूड तो चाहिए चाहिए, ठीक है. अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है हमारी ऑक्सीजन. बिकॉज जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं वो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है अच्छे से, ठीक है. वो हमारे फूड को अच्छे से बर्न कर देती है, और उससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. सेकेंडली, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज होंगे. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब हम देखते हैं कि जो सारे का सारा प्रोसीजर है ना, कि हमारी ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है, ये सारे का सारा प्रोसीजर होता है इन द सेल्स ऑफ आर बॉडी. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. हमने देखा है कि हमारी रेस्पिरेशन के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. नंबर वन इज फूड मॉलिक्यूल्स जो कि एसिमिलेटेड हो, है ना, एंड नंबर टू इज ऑक्सीजन. वो दोनों सेल्स में जाके आपस में बर्न करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और एनर्जी को वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है. सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टू सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, एंड देन एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? CO2 एंड वाटर.
ये हम देख रहे हैं। अब हमने देखा था लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर होती है, दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे सेल का एक ऑर्गेनल है, उसका एक पार्ट है। अब होता क्या है, हमारा फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पिरूवेट वहां पे जाता है, ठीक है, और वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके जी, तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन और हमारा फूड रिएक्ट करते हैं और एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ये सारे का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कहाँ पे होता है, इट हैपन्स इन द सेल्स ऑफ बॉडी, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे कि सेलुलर रेस्पिरेशन के इनपुट्स कौन से हैं, कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन, और इसके बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसकी अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाए, मीन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, देन इट इज हार्मफुल टू दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो वाटर प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉट वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, वी नो, उल्टा वो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियली होता है। ठीक है, ये था हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अंदर चला गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, अब देखो दो चीजें होती हैं, हम बोलते हैं ही इज रिस्पायरिंग, ठीक है, वो सांस ले रहा है, हम बोलते हैं ही इज ब्रीदिंग, वो सांस ले रहा है, दोनों चीजें फॉर अ कॉमन मैन सिमिलर ही है, ठीक है, नहीं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क कौन सा है, अगर हम सिंपल बात करें कि सिंपल आप ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेके जा रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा सिंपल ब्रीदिंग, कि जी आप जो है एयर का इनटेक कर रहे हो और उसको एक्सपेल आउट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, हवा का अंदर जाना और अंदर से बाहर आना, वो सिंपली हो गया ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें और कुछ भी फंडा आपका नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ब्रीदिंग है हम उसको बोलते हैं कि इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, हमारे जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं लाइक नोज है ना, वो इसमें इन्वॉल्व है, एंड इसमें जो है हमारी कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सिंपल हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि एक तो हमारा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेकेंड रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ब्रीदिंग से मिलेगी। ठीक है, इट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें ब्रीदिंग भी आएगी और जो फूड है, मैंने आपको क्या बताया था, रेस्पिरेशन में कौन सी दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन एंड फूड। ओके, ऑक्सीजन आ रही है ब्रीदिंग से और जो हमारा खाना है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी, और इसमें कॉमनली जो है वो हमारा क्या यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ओके, आई होप कि आपको दोनों का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में हमारा क्या डिफरेंसेस है। इनको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बेसिकली कौन से डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो ब्रीदिंग क्या होता है, इट इज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर। ठीक है, सिंपली इनटेक एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ एयर। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब इसमें ऑक्सीजन ऑफ फूड प्लस ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और ब्रीदिंग क्या हमारा फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बॉडी के बाहर हो रहा है हमारा, और जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन और हमारा फूड जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं केमिकली। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ब्रीदिंग का नेक्स्ट पॉइंट देखें, दैट इज नो एनर्जी इज रिलीज्ड रेदर यूज्ड। अब ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन स्टिल हमारी जो एनर्जी है वो यूजर होती है, हम एनर्जी को यूज करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके हटे हैं, ठीक है, तो हम जोर जोर से सांस लेते हैं, अगर हम भाग के हटे हैं तो हम जोर जोर से सांस लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो यूज्ड अप हो रही है। ठीक है,
और रेस्पिरेशन भी उल्टा क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है, इस रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है जो कि ब्रीदिंग में यूज होती है. नेक्स्ट इज इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, मीन्स के ब्रीदिंग में हमें सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड इज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, मीन्स के ये सेल्स में, बॉडी सेल्स में जाके होती है. ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व नहीं होते हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारे वो इनको हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह के. मीन्स के कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको ये फास्टन अप कर देते हैं, या रिएक्शन के होने की वजह बनते हैं, या रिएक्शन को फास्टन अप कर देते हैं, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं एंजाइम्स. रेस्पिरेशन में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद ब्रीदिंग इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, सिर्फ कुछ ऑर्गन्स से कन्फाइंड होता है. सिंपली हमारा पहले तो नोज एंड माउथ है ना, माउथ भी हम कभी कभी यूज करते हैं. उसके बाद रेस्पिरेशन इट अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के सारे सेल्स में जो रेस्पिरेशन है वो यूज अप होती है. ओके, सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, एंड आई होप को कि आपको थोड़ा सा तो समझ आया होगा. अब हम देखते हैं, अब हमने ये तो देख लिया कि जो रेस्पिरेशन होती है उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है. अब हम उस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रिलीज होती है, कहाँ पे स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है, वो सारा कुछ. जी ओके, हम पहले देखते हैं कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड. ओके, पहले हम इसके बारे में पढ़ते. तो सबसे पहले जो हमारी एनर्जी है रेस्पिरेशन के टाइम जब वो रिलीज होती है ना, जरूरी तो नहीं है कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी बॉडी उतनी एनर्जी को साथ की साथ यूज्ड अप कर रही है, ऐसा तो नहीं होता है ना. या जैसे हम खाना बना रहे हैं, जितना खाना हम बना रहे हैं साथ के साथ उसको खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, कुछ तो हम स्टोर करते हैं ना, ठीक है, कि चलो 2 घंटे बाद खा लेंगे, या भी बना लेते हैं बाद में खा लेंगे, लाइक दैट, है ना. वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, साथ के साथ सारी की सारी एनर्जी को यूज अप नहीं करती है. तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसको वो स्टोर कर लेती है, ठीक है. मान लो अभी उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो उसको कौन सी फॉर्म में स्टोर करेगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म में वो स्टोर कर लेती है, और उसको जब जरूरत होती है उस टाइम पे वो उसको यूज अप कर लेती है. ओके, अब नेक्स्ट क्या है? अब एटीपी क्या है? एटीपी कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ सब्सटेंस जिसकी फुल फॉर्म है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है. एक सब्सटेंस है जो कि है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक है, और ये सेल में ही प्रेजेंट होता है. अब हमारे सेल में ना दो चीजें प्रेजेंट होती हैं. एक प्रेजेंट होता है एडीपी, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एक सिंपल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है. मीन्स हमारे सेल में दो चीजें प्रेजेंट है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, जब ये दोनों चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारी रेस्पिरेशन हो रही है और ऊपर से क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, ठीक है. तो होगा क्या, ये एडीपी के पास ना बहुत कम एनर्जी होती है, तो ये क्या करता है, जो रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई है उसको कैच अप कर लेता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑलरेडी है, तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. पहले वो डाई था, एनर्जी लेके उसने इस वाले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एड अप कर लिया और वो ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक है, हाई एनर्जी बन गया. अब हमारी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब होगा क्या, मान लो जब हमारी बॉडी को ना एनर्जी की जरूरत होगी तो वो क्या करेगी, जो एटीपी है हमारा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ब्रेक डाउन होके किस फॉर्म में चला जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एडीपी प्लस फॉस्फेट एंड एनर्जी, ठीक है. दिस इज द थिंग, ये हमारा एटीपी मॉलिक्यूल था, हायर एनर्जी वाला, ठीक है. अब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो वो क्या करेगी, इस एटीपी वाला मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इन एडीपी एंड फॉस्फेट में. इतना समझ आया आपको? नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट्स. ये हमने देख लिया कि एडीपी फॉस्फेट्स के साथ मिलके और जो एनर्जी रेस्पिरेशन से रिलीज हुई है उसने क्या बना दिया,
एटीपी। और जब सेल को एनर्जी चाहिए होगी, मींस हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो हमारा एटीपी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर से पुराने वाले फॉर्म में, दैट इज एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, इस फॉर्म में वो हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी एटीपी में एनर्जी स्टोर हुई है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, वो किस किस काम के लिए यूज होती है? हमारे मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए, जो हमारे नर्व इम्पल्सिस जाती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ऐसे ही जो भी हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस है। सो दैट्स व्हाई एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, बिकॉज हमारी बॉडी की सारी एनर्जी जो है वो इस एटीपी में जाके स्टोर होती है। ठीक है, आई होप कि आपको एटीपी और एडीपी का जो फंडा है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमने रेस्पिरेशन का देख लिया क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो देख लिया, वो कहाँ पे स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो देख लिया। अब हमारी जो रेस्पिरेशन है ना वो भी सिर्फ एक सिंपल टाइप की नहीं है, उसमें भी दो टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहले वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक। सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। मीन्स के इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो खाना है वो पहले कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, या कौन सी फॉर्म में वो एंड वाली फॉर्म कौन सी होती है, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, अब होगा क्या, हमने देखा है कि जो खाना है रेस्पिरेशन में क्या होता है कि खाने की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, वही एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा कि जो हमारा खाना है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो गया जी, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, जब हमारा खाना ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या चीजें बनाएगा वो हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या होते हैं उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वी कैन से एलिमिनेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और क्या रिलीज होगी हमारी एनर्जी, और जो वो एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर होगी, इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये होगी इसकी रिएक्शन, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स निकले हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो रेस्पिरेशन है वो विदाउट ऑक्सीजन हो रही हो। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे होता है, पहले तो हमारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे कि बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होगी, विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कंटेंट क्या होगा, वो बहुत कम होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि अगर तो रेस्पिरेशन जो है वो हमारी हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, तो वो तो क्या करेंगे, जो हमारा वाटर की जगह पे एक बाय प्रोडक्ट होगा वो हमारा इथेनॉल होगा। ठीक है, मींस के वो क्या बना देंगे, ग्लूकोस हमारे फूड में से एक जो बाय प्रोडक्ट है उसको बना देंगे वो इथेनॉल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो अगर हमारे वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं लाइक ईस्ट वो हमारा बाय प्रोडक्ट बना देते हैं इथेनॉल। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब ह्यूमंस में क्या होता है, अगर हम भी क्या एनरोबिकली रिस्पायर करते हैं? यस, हमारी बॉडी भी एनरोबिकली रिस्पायर करती है। ठीक है, कैसे करती है, बाय चांस हम एकदम से कोई विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, उस टाइम पे हमारी बॉडी को क्या चाहिए होगी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, हम बहुत फास्टली ब्रीद करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो सफिशिएंट ना हो, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी बॉडी भी एनारोबिकली रिस्पायर करेगी।
कैसे रिस्पायर करेगी, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा ग्लूकोज है उस वो एक प्रोडक्ट बना देगा दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, वो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा ग्लूकोज से और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब होता क्या है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये बनता तो है लेकिन ये एक्यूमुलेट कहाँ पे होगा, मींस ये जाएगा कहाँ पे, ये हमारे मसल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो हमें क्या आ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स। ओके, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बहुत ज्यादा हार्ड, आपने किसी दिन फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया, आपने कुछ भारी बहुत ज्यादा उठा लिया, आपको कहीं ना कहीं पेन होने लग जाती है, बोल देते हो कि मुझे क्रैम्प्स हो गए हैं, मींस दैट कि उस टाइम पे हमारी जो बॉडी में एनर्जी थी वो बहुत कम थी, हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और ब्रीदिंग रेट हमारा कम था, हमारी बॉडी ने एनरोबिकली रिस्पायर किया और जो हमारी बॉडी पे फूड था वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाने की जगह उसने क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड जाके हमारी बॉडी में मसल्स में एक्यूमुलेट हो गया। ओके, अगर हमें बाय चांस ऐसे क्रैम्प्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें रिलीफ मिल सके, हमें क्या करना चाहिए, हमें हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए या फिर मसाज लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारे जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा। ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन जाएगा वो उस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए ना भाई बाहर निकालने के लिए, तो वो काम ऑक्सीजन ही करेगी और ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ब्लड। ठीक है, ताकि हमें क्रैम्प से रिलीफ मिल सके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम इनके बेसिक डिफरेंसेस देखें, डिफरेंसेस से पहले अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज कौन सी हैं, सिमिलैरिटीज तो एक सिंपल यही है ना कि दोनों के केस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ओके जी, सेकेंडली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है। ओके, लेकिन वो बहुत कम होती है। ठीक है, ओके, हम डिफरेंसेस देखते हैं। नंबर वन इज एरोबिक, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, एंड एनएरोबिक, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने देख लिया। एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स, ऑब्वियसली खाना हमारी बॉडी में था, सफिशियंट ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, ऑक्सीजन और हमारे फूड में अच्छी सी रिएक्शन हुई, अच्छी सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, हमारे एंड प्रोडक्ट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए थे, वो बन गए। एनरोबिक में क्या हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ। पार्शियल क्यों, अभी अब बॉडी तो बोल रही थी कि मैं तो पूरा ब्रेकडाउन कर दूंगी, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही थी उसको। ठीक है, वो काम ज्यादा कर रही थी, ऑक्सीजन कम मिल रही थी, इसलिए बॉडी ने फिर एनरोबिकली रिस्पायर किया। इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, इथेनॉल / लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड एंड CO2 आर एंड प्रोडक्ट्स। अब होता क्या है, इथेनॉल यूजुअली जो बनता है ना हमारी बॉडी में नहीं बनता है, वो बनता है प्लांट्स में। अगर आप ये बोल सकते हो कि जो प्लांट्स हैं जब वो एनरोबिकली रिस्पायर करते हैं तो उनमें बनता है इथेनॉल, और जब ह्यूमंस एनरोबिकली रिस्पायर करते हैं तो उनमें बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स हमारे ये होगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है, और एनरोबिक में हमें कम मिलती है। ओके जी, यहाँ तक एनी डाउट्स? ओके, अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा खाना है जब वो पूरे का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, वो सेल के कौन से पार्ट में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट एंड डी इज न्यूक्लियस। आई होप कि आप लोग अच्छा गैस लगा रहे होंगे, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज उसी को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, उसी एनर्जी स्टोर करवानी होती है। ठीक है, इसके बाद आर नेक्स्ट टॉपिक इज हम जो करेंगे वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने ये देख लिया कि प्लांट्स जो है वो एरोबिकली भी रेस्पायर करते हैं, एनएरोबिकली भी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं। अब हमें पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करवाना होता है और उसके लिए उन्हें जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की।
ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फियर, और ऑक्सीजन वो रिलीज कर देते हैं। तो इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होगी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब प्लांट को भी खाना बनाना है, प्लांट को भी ग्रो करना है, प्लांट के भी जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है। फॉर ऑल दैट पर्पसेस उसको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो प्लांट को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से। ओके, अब एनिमल्स भी रिस्पायर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रिस्पायर करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो प्लांट्स हैं वो उन्हें सारे जो पार्ट्स हैं वो अलग-अलग रिस्पायर करते हैं। मींस स्टेम भी रिस्पायर कर रहा है, रूट्स भी रिस्पायर कर रही हैं, लीव्स भी रिस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, या वी कैन से ह्यूमंस में क्या होता है, हमारा एक सिंगल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो हमारा ये काम करते हैं। ये तो नहीं कि हमारी लेग्स भी काम कर रही है ना। सेकेंड पॉइंट इज कि जो हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है वो बहुत स्लो रेट पे होता है, ठीक है। और जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन है वो फास्ट रेट पे होता है, बिकॉज हमें प्लांट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिविटीज करनी होती है, हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं। अब प्लांट्स को क्या चाहिए? आई एम सॉरी फॉर दिस। ये हर एक में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं जो ये लेंटिसल्स हैं। आई एम सॉरी फॉर द पॉज। अब होगा क्या, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन, उनमें तो स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा से वो अपना गैशियस एक्सचेंज जो है वो कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे बिग प्लांट ट्रीज हैं जिनके जो स्टेम्स हैं वो वूडी हो चुके हैं, उनमें क्या होगा कि उनके स्टेम्स के ऊपर ऐसे निशान पड़ जाते हैं जिनको हम बोल देते हैं लेंटिसल्स, और इन्हीं लेंटिसल्स से ऑक्सीजन जो है वो अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, और इनर सेल्स के पास जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन द स्टेम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो सेम लेंटिसल से बाहर आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन इन लीव्स। थर्ड हमारा ये था कि जो हमारे लीव्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब रेस्पिरेशन कैसे होती है कि जो हमारे लीव्स हैं ना उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, वी कैन से होल्स होते हैं, ठीक है। उन उन्हीं होल्स के थ्रू डिफ्यूजन से ही हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू लीव थ्रू स्टोमेटा, सारे सेल्स के पास जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोमेटा में कैसे होता है। स्टोमेटा में होता है जब हमारा फोटोसिंथेसिस चल रहा है, और वैसे हमारे स्टोमेटा जो है वो ऐसे क्लोज रहते हैं, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस चल रहा है, अब हवा क्यों चाहिए प्लांट को? ताकि वो एनर्जी बना सके, मींस खाना भी है ना। तो उसको खाना बनाना, पहले जब वो खाना बनाएगा उसको पानी भी चाहिए, और जब वो पानी आएगा तो ये जो स्टोमेटा है ये स्वोलन अप हो जाएगा। इसके जो ये गार्ड सेल्स है ना, ये वाले, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये गार्ड सेल्स ऐसे स्वोलन अप हो जाएंगे, इनमें पानी भर जाएगा और ये खुल जाएंगे। ये खुल जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है ओपन एरिया, यहाँ से हमारा गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद खाना बन गया या वाटर इवेपोरेट हो गया लाइक दैट, तो ये फिर से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है हमारा रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स इन रेस्पिरेशन लीव्स अकर थ्रू स्टोमेटा। रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग द डे एज वेल एज एट नाइट। जो रेस्पिरेशन है वो दिन रात चलती रहती है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो हमारा सिर्फ दिन में होता है, बिकॉज सनलाइट रात को प्रेजेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या होता है, दिन और रात में फिर गैशियस एक्सचेंज कैसा रहता है? गैशियस एक्सचेंज ऐसा रहता है कि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज अप हो रही है लीव से, ठीक है, इवन कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज आउट होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज इन होती है, बिकॉज उसको खाना बनाना है, ठीक है। और नाइट टाइम पे क्या होता है, जब रात होती है, रात टाइम पे कोई भी, अब
खाना बन ही नहीं रहा रात को, तो कार्बन डाई ऑक्सीजन जो है वो हमारी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, सो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इन टू लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन. अब भैया उसको रिस्पायर भी तो करना है, तो उसको ताकि वो रिस्पायर करे तो ऑक्सीजन जो एयर में होती है ना वो रिस्पायर करती है, वो लीव के अंदर जाती है और वहीं पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आती है. तो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लीव्स, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसी होती है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है. अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, अमीबा, तो उसमें उसके एक सेल मेम्ब्रेन ही है जो खाना लेती भी है, उसको इजेस्ट भी करती है, ठीक है? वही सेल मेम्ब्रेन उसकी रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है. उसके बाद हमारे पास हैं अर्थवॉर्म जो अपनी स्किन का यूज करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश, प्रॉन्स, इनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है? इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर, कॉकरोच, मॉस्किटो, इनके ऊपर ना छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं. तो वो होल्स क्या काम करते हैं, स्पायरिकल्स, ठीक है? उनको स्पायरिकल्स बोलते हैं. उनमें छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं जहां से तो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है. उसके बाद कुछ लैंड एनिमल्स हैं जैसे मैन, डॉग, वो कैसे रिस्पायर करते हैं, थ्रू देयर लंग्स. अब इनके बारे में देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कैसे करते हैं. सबसे पहले हम सिंगल सेल से चलते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन अमीबा. अब अमीबा में कैसे रेस्पिरेशन होता है, अमीबा डिपेंड्स ऑन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. इसमें भी जो गैस है वो डिफ्यूज करेगी, और कैसे डिफ्यूज करेगी, थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. अब सिंपली ऑक्सीजन जो है वो अंदर डिफ्यूज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंपली बाहर चली जाएगी. इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बिकॉज एज सून एज ऑक्सीजन ने अंदर एंटर किया, छोटा सा इसका साइज है, तो वो कम्प्लीटली बहुत क्विकली वो पूरी की पूरी अमीबा की बॉडी में कम्प्लीटली स्प्रेड आउट हो जाएगी, और रेस्पिरेशन जो है वो साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा, और CO2 जो है वो प्रोड्यूस होके एकदम से बाहर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म. रेस्पिरेशन इन जो अर्थवॉर्म है वो होती है उसकी स्किन से. जितना टाइम उसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहेगी, ठीक है, वो वेट रहेगी, उतना टाइम वो रिस्पायर करेगा, और उसकी जो स्किन है वो ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करती है, वो ही ऑक्सीजन को इनहेल करती है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन इन फिशेस. फिशेस कैसे रिस्पायर करती हैं, फिशेस कैसे रिस्पायर करती हैं, उनके पास ना गिल्स होते हैं, उनके जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो हैं गिल्स, और वो उनके हेड के दोनों साइड होते हैं, ठीक है? यूजुअली जो गिल्स होते हैं ना उनके ऊपर गिल कवर्स पड़े होते हैं, उनको हम बाहर से वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब क्या होगा, अब फिश पानी में रहती है, और पानी में कौन सा वाटर होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है? पानी में सीधी जैसे हम लेते हैं ड्राई, वो वाली तो प्रेजेंट नहीं होती है. तो ऑक्सीजन, तो फिश क्या करती है, वो उसी ऑक्सीजन का यूज करती हैं जो वाटर में डिजॉल्व है. अब कैसे करती हैं, वो क्या करती हैं, वाटर को ही अपने अंदर ले जाती हैं, ठीक है? वाटर को अपने ऐसे मुंह खोलती हैं, वो मुंह खोल के वाटर को अपने अंदर ले जाती हैं. वो वाटर उनके माउथ से होता हुआ सीधा उनके गिल्स तक जाएगा, ठीक है? वाटर उनके गिल्स तक गया, तो जब गिल्स से वो पास होगा तो गिल्स क्या करेंगे, उस वाटर में से जो ऑक्सीजन है डिजॉल्व उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जो पानी था उसके गिल स्लिट्स मीन्स गिल कवर से होता हुआ वो बाहर जाएगा, ठीक है? दस जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है हमारी पानी से जो हमने एक्सट्रैक्ट की है फिश ने, वो ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के पास वो ले जाएगा, और जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है वो भी गिल्स के पास ब्लड लेके आएगा और उसको बाहर एक्सपेल आउट कर देगा. फिशेस के पास हमारी तरह कोई लंग्स वगैरह नहीं है, तो इसीलिए उनका जो भी गैस एक्सचेंज होता है वो सारा का सारा कहाँ पे होता है, उसके गिल्स में. अब उसके बाद हम देखते हैं कि यूजुअली क्या होता है, फिश को बाहर निकालते हैं पानी से तो वो एकदम से जो है वो तड़पने लगती है, ठीक है? वो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है. दिस इज बिकॉज के जो फिश है उसके पास लंग्स नहीं है,
कि वो ड्राई ऑक्सीजन ऑफ एयर को वो यूटिलाइज कर सके, उनके पास गिल्स हैं जो सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडली एक ये चीज भी है, जो एयर में ऑक्सीजन है ना वो इतनी ज्यादा होती है कि जो फिशेज हैं वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। नंबर वन इज दिस कि वो कंटेंट ऑफ एयर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। सेकेंडली कि जो फिश है उसके पास ड्राई ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की जगह जो होती है उसको वो उसके उसको यूटिलाइज करने के लिए उनके पास लंग्स नहीं होती है, ठीक है। उसके पास उसके बाद नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, दैट इज आवर फाइनल टॉपिक। हम ह्यूमंस में रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें दो चीजें यूज होती है, एक तो हमारा ब्रीदिंग, नेक्स्ट इज फूड, ठीक है। फूड का हमने देख लिया कि फूड का तो बस यही था कि फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाए, बॉडी में जाके एसिमिलेट हो जाए, उसके बाद बाकी काम हमारा ब्रीदिंग का है। अब होगा कैसे, जब हम सांस लेते हैं लंग पे दो चीजें होती हैं, एक ब्रीदिंग इन और एक ब्रीदिंग आउट, ओके। ब्रीदिंग इन जब हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, सांस को अंदर लेके जाना, मींस वी आर इनहेलिंग द एयर, वो प्रोसेस क्या होगा इनहेलेशन। उस टाइम पे क्या होगा, अगर आप इस पिक्चर को वीडियो को देख रहे हो उस टाइम क्या होगा, द मसल्स बिटवीन द रिब्स, जो हमारे रिब्स के बीच वाली मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिब केज ऊपर को मूव कर रहा है, ठीक है। होगा क्या, जो हमारा डायफ्रागम है, दिस इज आवर डायफ्रागम, दिस इज, ये डायफ्रागम क्या कर रहा है, ये अपनी पोजीशन से ऊपर को जा रहा है, अब पोजीशन से ये नीचे को आ रहा है, ठीक है, नीचे को आ रहा है, जो हमारा रिब केज है वो बाहर को मूव कर रहा है। इट मींस अंदर क्या क्रिएट हो रही है, जब इनहेल आएगा तब आप देख रहे हैं, देखो डायफ्रागम नीचे आ गया, रिब्स एक्सपैंड हो गए, मींस अंदर बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गई है, उस स्पेस की वजह से जो हमारी ऑक्सीजन एयर है बाहर वो अंदर जाएगी, ठीक है। मींस आप दोबारा से देख लो इनहेलेशन में क्या हो रहा है, ये एक्सहेल हो गया, इनहेल में क्या हो रहा है, जो हमारे रिब्स हैं वो आउटसाइड मूव कर रहे हैं, डायफ्रागम ऊपर डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, एयर स्पेस बढ़ जाएगी और एयर जो है वो हमारी अंदर आ जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक प्रॉपर पोजीशन है डायफ्रागम की वो ये है, एक्सहेल टाइम, ठीक है, यहाँ पे रहना, लेकिन इनहेल के लिए ज्यादा जगह चाहिए तो वो नीचे मूव कर जाता है, ठीक है, रिब्स जो है वो बाहर वाली साइड मूव कर जाती है। ये है हमारा इनब्रीदिंग, मींस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और रिब केज बाहर की तरफ मूव आउट हो गया, डायफ्रागम वो भी बाहर की तरफ मूव आउट हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड्स चला गया वो नीचे को, ताकि अंदर जो है वो स्पेस बढ़ जाए हवा के आने के लिए, ओके। नेक्स्ट वी हैव ब्रीदिंग आउट, अब हम सांस बाहर भी तो छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे रिब्स हैं वो क्या करेंगे, अंदर वाली साइड चले जाएंगे, जो हमारा डायफ्रागम है वो रिलैक्स हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर को, जो उसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे। अंदर जो है होगा क्या, जो स्पेस है चेस्ट कैविटी में वो कम हो जाएगी, जो एयर है वो लंग से बाहर पुश्ड आउट हो जाएगी। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आई थिंक वी हैव डन इट अर्लियर। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं नेजल कैविटी, मींस दैट नोज, ठीक है, और हमारा उसके बाद है ये हमारा माउथ, दो जगह से हमारी जो हवा है वो अंदर जा सकती है। उसके बाद ये आ गया नीचे हमारा फारनेक्स, उसके नीचे लार्नेक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, नेक्स्ट दिस इज आर विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाके, दीज आर आर लंग्स ना, तो ये लंग्स के दो पार्ट्स में जाके ये जो ट्रैकिया है डिवाइड कर रही है, और उन दो पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है लंग्स में अंदर जाके बहुत सारे डिवाइड हो रही है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। उसके बाद ये आ गया हमारा डायफ्रागम, डायफ्रागम की ओरिजिनल पोजीशन है ये, जब हम इनहेल करेंगे तब ये नीचे को आ जाएगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तब ये ऐसे ऊपर को चला जाएगा, ओके।
नाउ नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब होता कैसे है ये देखो, ऐसे करते हैं, ये हवा लार्नेक्स से ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ब्रोंकस, उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स में जाएगी, ब्रोंकियोल से आगे एल्वियोली में। ठीक है, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, हमारे जो नोज है उसमें दो होल्स हैं, वी नो, उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो जो भी हमारी हवा है इट हैज टू पास थ्रू दीज नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब यहां से जाएगी नॉस्ट्रिल्स, एयर गोज इनटू नेजल पासेज। अब जो हमारी नेजल पासेज है उसमें क्या होते हैं, हमारे फाइन हेयर होते हैं और कुछ म्यूकस होता है, जिनका काम बस ये है कि जो भी हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको वो ट्रैप कर लें, ताकि जो हमारी अंदर एयर है वो क्लीन एयर जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारी हवा है वो कहाँ से जाएगी, फ्रॉम माउथ और नोज वी कैन से इनटू फारनेक्स। ठीक है, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, जो हमारा ये सेंटर वाला पोर्शन है माउथ और विंड पाइप के बीच वाला, मींस के ये हो गया हमारा माउथ, ये हो गया हमारा विंड पाइप, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फारनेक्स। उसके बाद फ्रॉम फारनेक्स द एयर गोज इनटू द विंड पाइप, और वी कैन से लार्नेक्स, लार्नेक्स से होते हुए विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो हवा है वो हमारी कहाँ चली गई है, विंड पाइप में चली गई है। ठीक है जी, अब होगा क्या, द विंड पाइप डजंट कलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। ठीक है, अगर बाय चांस हम दो चार फॉर आई थिंक 5 to 10 seconds हम अपनी जो ब्रीदिंग है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जब उसमें उस टाइम एयर नहीं होती है। ठीक है, या वी कैन से कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, एक बार हवा सारी की सारी अंदर जा चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड अभी बाहर नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे भी विंड पाइप जो है वो कलैप्स नहीं करता है, हालांकि उसमें एयर नहीं होती है, बिकॉज उसको जो सपोर्ट करती हैं वो कुछ उसके सराउंडिंग्स में ना रिंग्स बनी होती हैं बोन्स की, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ओके, उसके बाद जो हमारी ट्रैकिया है ना वो डिवाइड है इंटू, इट इज डिवाइडेड इंटू टू स्मॉल ट्यूब्स, या वी कैन से ये है हमारी ट्रैकिया, ये आ रही है, ये यहाँ पे आके ये ट्यूब उसमें डिवाइड हो गया ट्यूब्स में। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में देखो ये ट्रैकिया, ये आके ये टू ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई आगे जाके किससे कनेक्टेड है, टू आर लंग्स। अब लंग्स में जाके जो हर एक ब्रोंकाई है उसकी आगे बहुत सारी छोटी 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 जो है वो ट्यूब्स जो है वो बनी हुई है, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और इन ट्यूब्स के ना एंड में, बिल्कुल यहाँ पे एंड में बने होते हैं हमारे एयर सैक्स, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, हवा जहां से भी आए उसको एट द एंड उसको इन एल्वियोली में आना है, बिकॉज सारा काम इस एल्वियोली ने करना है। ये जो यहाँ पे ना एंड पे छोटे छोटे होल्स जैसा होता है, सैक्स जैसा होता है। ठीक है, जो सारा का सारा गैशियस एक्सचेंज है वो कहाँ पे होगा, इस एल्वियोली में होगा। अब इस एल्वियोली में कैसे होगा, इस एल्वियोली में ऐसे होगा, अब आप पूछोगे कि जो ट्रांसमिशन ऑफ गैसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हमारा थ्रू ब्लड होता है ना, तो वो कैसे होगा एल्वियोली से, एल्वियोली से ऐसे होगा बिकॉज जो हमारे एल्वियोलीज है ना, वो जो ब्रोंकियोल्स है ना, वो एंड में उनके सराउंडिंग में ऐसे बने होते हैं एंड में एल्वियोलीज। ठीक है, तो जो हर एक एल्वियोली है ना उसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज का काम होता है ये ब्लड की वो एक टाइप है। ठीक है, और उसमें ब्लड वेसल की वो एक टाइप है, और उसमें क्या होता है, उन्होंने भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंडक्शन करवानी होती है। ठीक है, तो ये जो एल्वियोली की ये जो वॉल्स है ना, इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करवा देती हैं, गैशियस एक्सचेंज, मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वियोली में फेंक देती हैं, और जो एल्वियोली में ऑक्सीजन आई होती है उनको वो एब्जॉर्ब करवा देती हैं। ठीक है, ये काम वो करती हैं, मींस जैसे ऊपर से वो आ रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके, उन्होंने यहाँ पे छोड़ दी, और जो एल्वियोली में ऑक्सीजन आई हुई थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और लेके आगे चली गई। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ये चीज होती है, आप इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारी जो एयर है वो आ रही है माउथ और नोज से, ठीक है, ट्रैकिया में जा रही है,
ट्रैकिया के आगे दो ट्यूब्स हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे जाके लंग्स से कनेक्टेड है, और लंग्स में आ जाके वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और उन ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होते हैं, ऐसे वाले एल्वियोलिस। ठीक है, एल्वियोलिस में, एल्वियोलिस के जो वॉल्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लेके आती हैं और बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायफ्रागम की मूवमेंट भी देख सकते हो कि जब वो नीचे आ रहा है तब जो हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजन से फिलअप हो रहे हैं, और जब वो ऊपर जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस जा रही है आउट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। एंड आफ्टर दैट हम एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं सारा इसका, क्या था हमारा रेस्पिरेशन का। हवा, डायफ्रागम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, ठीक है, हमारा चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो हमारी हवा थी वो लंग्स के पास चलेगी, एल्वियोली ऑक्सीजन रिच एयर से फिलअप हो गए, और जो ऑक्सीजन थी वो एल्वियोली के साथ जो ब्लड कैपिलरीज थी उनमें वो डिफ्यूज होगी। उसके बाद एज ब्लड पासिस थ्रू टिश्यूज वो ऑक्सीजन को वहां पे डिफ्यूज करता जाएगा, और जो वहां पे हमारी क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो सेल्स में जा रही है ना, तो वहां पे ग्लूकोज ऑलरेडी पड़ा है तो उसके साथ वो रिएक्ट करेगी और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और हमारा एक एंड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उस वो क्या करेगी, अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो फिर से ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज उसको वहां से सक कर लेंगे। ठीक है, और सक करके कहाँ पे ले आएंगे, एल्वियोली पे ले आएंगे, और जब हम उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा डायफ्रागम है वो नीचे आ जाए, आई एम सॉरी, वो ऊपर चला जाएगा अपनी नॉर्मल पोजिशन पे, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तब क्या होगा, अंदर इतना प्रेशर हो जाएगा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग से बाहर पुश्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। आई होप कि आपको इसमें से थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज सिंपल के जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा रेट कितना है पर मिनट। और यूजुअली जो एडल्ट होता है उसका जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज 15 टू 18 टाइम्स पर मिनट, हम एक मिनट में इतना ज्यादा ब्रीद करते हैं। उसके बाद अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं लाइक वी आर रनिंग एंड ऑल दैट, ठीक है, तो उसके लिए हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो फास्ट रेट पे क्या करेगी, ब्रीद करेगी। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आई होप कि आपको इसमें से थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया हो। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर द वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इट विल बी ऑन द लाइफ प्रोसेस, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। एंड स्टे ट्यून्ड for the next video. Thank you so much.